रोज वैली चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी ने आंदोलन छेड़ दिया है। टीएमसी ने इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया है। कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर तक टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर है। झारखंड बॉर्डर पर तृणमूल विधायक सड़क पर बैठ गए, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई। वहीं आसनसोल में कार्यकर्ताओं ने NH2 ब्लॉक कर दिया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। वहीं दूसरी तरफ सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के विधाननगर पुलिस स्टेशन में CBI के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि परिवार को सुदीप की गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया और न ही ये बताया गया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। वह इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और नोटबंदी का विरोध करने वालों की आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय CBI के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद काफी देर तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वैसे सुदीप तृणमूल कांग्रेस के दूसरे ऐसे सांसद हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर इस घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अभिनेता से नेता बने तापस पाल को गिरफ्तार किया गया था। तो TMC सांसद की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। अभी तक TMC नोटबंदी को लेकर पहले से ही मोदी सरकार से खफा थी, लेकिन अब पार्टी सांसद की लगातार हो रही गिरफ्तारी के बाद TMC ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखते रहिए DB Live।